हेलो दोस्तों, मैं शेफ असलम, आप देख रहे हैं शेफ असलम यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी डिज़र्ट्स लेके हैं जिसका नाम है बिस्कॉफ चॉकलेट फ्लैप जैक्स। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आप देख लें, फिर हम आपको मेजर करके भी बता देंगे। ये बहुत अच्छी डिज़र्ट्स है, बहुत अच्छी रेसिपीज़ है, इसको आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है। ये 250 ग्राम हमने एक बिस्किट लिए हैं जो शुगर फ्री है। शुगर फ्री बिस्किट आपने लेने हैं 250 ग्राम। इसको अच्छी तरह पाउडर बनाना है आपने, एक बाउल के अंदर डाल लें। 250 ग्राम बिस्किट अच्छे से ले लेने शुगर फ्री, इसका क्रम्बर बनाना है, पाउडर बनाना है आपने, एक बाउल में डाला। और इसके अंदर 250 के अंदर 100 ग्राम हमने बटर मेल्ट करके डाला और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। बटर और ये जो बिस्किट का पाउडर है इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और एक पेस्ट बना लिया इसका हमने। ये जो हमने पैन भरना है, ट्रे भरनी है, पैन भरना है, उसके नीचे हमने इस क्रस्ट को फ्लैट कर लेना, फैला लेना है। ये स्पैचुले की मदद से आपने स्पैचुले के साथ इसको ट्रे के अंदर, पैन के अंदर, केक पैन के अंदर आपने अच्छी तरह नीचे इसकी लेयर लगा लेनी है। और ये जेलाटिन है, 30 ग्राम हमने जेलाटिन ली और इसके अंदर 60 ग्राम हमने 60 ग्राम चिल वाटर डाला है। गर्म वाटर, वार्म वाटर नहीं डालना आपने, बिल्कुल चिल वाटर डालना है, ठंडा पानी। जेलाटिन और ये क्रीम ली हमने, विप क्रीम, विप क्रीम, विप क्रीम को विप कर लेना। और ये 200 ग्राम विप क्रीम है और इसके अंदर 100 ग्राम हैवी क्रीम और 100 ग्राम कंडेंस मिल्क, जिसको आप स्वीट मिल्क भी बोलते हैं, कंडेंस मिल्क 100 ग्राम। रेसिपीज बहुत अच्छी है जी, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। डिज़र्ट का मैंने नाम बता दिया, बिस्कॉफ चॉकलेट फ्लैप जैक्स। तो ये जेलाटिन आपने ऐसे ही डालनी है, एक साथ नहीं डालनी, साथ साथ आपने जेलाटिन डालनी है और विस्क के साथ अच्छी तरह मिक्स करते जाना साथ साथ। ये अच्छा सा मूस बन जाएगा जो कि बहुत मज़ेदार है। इसके अंदर आपने हैवी क्रीम भी डाली, विप क्रीम भी है। और ये देखें, जिस ट्रे के अंदर हमने नीचे क्रस्ट लगाया था बिस्किट का क्रस्ट, उसके ऊपर हमने ये जो हमने मूस तैयार किया इसके ऊपर डाल दिया। और इसको स्पैचुले से ही फ्लैट कर लेना ट्रे के ऊपर। रेसिपीज बहुत अच्छी और बहुत मेहनत के साथ हम आप लोगों के लिए रेसिपीज बना के लाते हैं। ये उसी मूस से हमने तकरीबन 50 ग्राम जो तैयार किया था, 50 ग्राम मूस बचा लिया और उसके अंदर 100 ग्राम हमने गनाश, चॉकलेट गनाश ऐड कर दी है। तो इसको अच्छी तरह, और साथ हमने 2 टेबल स्पून जेलाटिन, जो कि जेलाटिन पहले हमने जो मेल्ट की थी उसमें से बचा लिया था जेलाटिन को, वो भी इसके अंदर ऐड कर दी। ये चॉकलेट मूस बना लिया और इसको पैपन बैग के अंदर आपने भर लेना। ये जी वो जो हमने फ्लैप जैक्स बनाए पहले ट्रे के अंदर, तो इसके ऊपर हमने ये एक जिगजैग जैक बना दिया चॉकलेट की गार्निश, ये देखें जी। और इसको हमने स्टिक की मदद से इसको हमने मार्बल टैप करना है। या आपने टूथपिक ले लें या कोई और स्कीवर स्टिक ले लें, उससे आपने इसको ऐसे ही मार्बल करना है। रेसिपी जो कि हमने एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता दी कि कैसे इसको लगाना है, कैसे बनाना है और क्या क्या करना है, ये आपके सामने ट्रे बनी हुई है, ये फ्लैप जैक्स। तो ये देखें कितनी बिल्कुल नीचे दो उसकी क्रस्ट की लेयर भी नज़र आ रही है, ऊपर वाइट मूस की नज़र आ रही है, उसके ऊपर आपने जो मार्बल किया हुआ उसकी भी नज़र आ रही है लेयर। तो इसकी अच्छी सी शेप बना लें, अच्छी सी कटिंग कर लें।
हम आपके लिए नए नए केक डेकोरेशन, डिज़र्ट्स और कभी कभी खाने की डिश भी ले आते हैं। यह आपका अपना यूट्यूब चैनल शेफ असलम के नाम से, इसको लाजमी सब्सक्राइब किया करें और आगे शेयर भी किया करें। ये इल्मे फन का बहुत ही अच्छा एक स्टेशन है। ये बिस्कॉफ स्प्रेड, ये बिस्कॉफ को आपने इसके ऊपर ऐसे ही ज़िगज़ैग करके लगाना है। ये खूबसूरत लग रहा है इसके ऊपर। आपके सामने हमने रेसिपीज़ को तैयार किया और फ्रीज़ किया। फ्रीज़ करने के बाद कटिंग की, कटिंग करने के बाद डेकोरेशन की। बिस्कॉफ चॉकलेट फ्लैप जैक्स डिज़र्ट्स जो कि हमने बनाई आपके सामने तैयार कर दी और सिखा दिया, बता भी दिया आप लोगों को ये कैसे इसको बनाना। आपने ए से जेड तक हमने आपको रेसिपीज कंप्लीट बनाकर दिखाई। तो अगर आप दोस्तों ने हमारा अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, मुस्कुरा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। घूरना नहीं, गुस्से से नहीं करना, मुस्कुरा के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना यूट्यूब चैनल शेफ असलम के नाम से। हम आपके लिए कोशिश करते रहते हैं कि डिज़र्ट्स और केक डेकोरेशन अच्छे अच्छे लेके आएँ। दुआओं में याद रखें, नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करें।